अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़िया ख़ान। आज आया हूँ SBK यूनिवर्सिटी। यहाँ फ़ाइन आर्ट्स के बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन है। आज इनकी फ़ाइनल एग्जीबिशन है, तो मैं चाहता हूँ आप सबको दिखाऊँ कि बलूचिस्तान में स्पेशली जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनमें कितना टैलेंट मौजूद है। हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है और क्या क्या ये आज प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट और बाकी अदारे इन बच्चियों की हौसला अफज़ाई करेंगे, इन प्रोडक्ट को अच्छे कीमतों पर परचेस करेंगे। सामिया बानो, आपके काम को थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं अपनी तमाशाला मेहनत से। तो आप बलूचिस्तान पर काम किया है और ये मेहरगढ़ है जो तमाम तहजीबों का इमाम कहा जाता है इसको। ये मेहरगढ़ है और ये वहाँ से जो बरामद हुई हैं फिग्रींस वगैरह, ये उनको मैंने पेंट किया है। इसमें इनकी जो ज्वेलरी को और के हेयर स्टाइल को के लाइफ स्टाइल इनसे ज़ाहिर होता है, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पर भी मैंने सिर्फ कलर चेंज किए, फिग्रेंस चेंज किए हैं मैंने अपनी। यहाँ पर मेहरगढ़ जी, ये भी मेहरगढ़ है और ये मेहरगढ़ का जो बैल है ये आज भी जो है ना पाया जाता है भागनाड़ी की नस्ल से, भागनाड़ी नस्ल से कहा जाता है इस वाली बैल को। और ये जो पैटर्न्स इसके पोर्ट्स वगैरह पर हैं ये आज भी हमारी बलोची एम्ब्रॉयडरी वगैरह में यूज़ होते हैं जी। और ये हेरिटेज है हमारे, ये झलमक्सी में है, इसे बलूचिस्तान का ताजमहल कहते हैं। जो भी टूट रहा है तकरीबन ख़त्म हो रहा है, इसको सेव नहीं किया गया। ये किसी और मुल्क में होता शायद तो इसके लिए बहुत सिक्योरिटी होती, बहुत कुछ होता इसके लिए, इसको प्रिजर्व किया जाता। यहाँ हमारे यहाँ ये टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं वहाँ चाकर किला, मैं खुद सिबी से बिलोंग करती हूँ, तो ये चाकर किला वहीं का है। फिर ये हमारे बहुत कीमती असासा हैं और ये बलूचिस्तान की इस चीज़ के पीछे पूरी दुनिया पागल है मेहरगढ़ के लिए। ये फॉर लेकिन सेल है? नहीं बेचेंगे? नहीं, अगर कोई ऑर्डर देना चाहे आपको? हाँ, ऑर्डर पे बना लेंगे, लेकिन ये इसलिए नहीं कि मैंने इसकी भी और मजीद इस पर काम करना है। अच्छा जी, फ्यूचर में आपके बेचने का इरादा है इन चीज़ों को? यही फिलहाल कुछ अर्से तक तो। ये जो इमोशंस ये बनाए गए हैं, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ। ये शुमाइला है, इन्होंने अपनी लाइफ पे बनाई है। पहले पिक्चर में इन्होंने अपनी तस्वीर और अपनी छोटी बहन की और ऊपर उनकी वालदा एक्सीडेंट में जो फोत हो गई थी और बहन जो है वो ज़ख्मी हो गई थी। ये इस पिक्चर में इन्होंने पीछे पानी दिखाया, वो बहन जो इसको शुमाइला अपनी माँ के बाद इनकी देखभाल कर रही थी वो भी पानी में डूब गई मुसखेल में और वो भी उनके साथ नहीं रही। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे भी मतलब इमोशनल हो गया हूँ बहुत सारा। तो ये अपनी ज़िंदगी पे इन्होंने पेंटिंग की है, ये फिर वो बहन की यादें हैं, वो जो तस्वीरें राइटिंग है, तो ये सारी इन्होंने अपने इमोशंस को पुटअप किया है इसमें। और साथ में ये वो राइटिंग्स हैं, ये इन्होंने वाइट एंड रेड से लिखा हुआ है। रेड को इन्होंने एज आ पेन शो किया, वाइट को पीस शो किया है। तो ये बड़े इमोशनल पेंटिंग्स हैं, जिस तरह शुमाइला ने ख़ुद एक्सप्लेन किया उस तरह तो मैं नहीं कर, वो कैमरे पे इमोशंस की वजह से नहीं आना चाहती है। हमारी एक बहन है ज़ुबैदा काकड़, उन्होंने ये जुनिपर ट्री को यूज़ करते हुए ये आप देख के औरत को वो यानी खातून के बाहर से जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, खुश नज़र आती है, लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सारी इश्यूज का सामना करती हैं, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे वो बेटी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो। ये बहुत मेहनत से बनाए गए, आप देख सकते हैं। बदकिस्मती से यहाँ पे आज हमें ना कोई मीडिया नज़र आ रही है, ना कोई हमें कोई चीफ गेस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन हमने कहा कि आपको ये हम दिखाएँ कि यहाँ के हमारी बहनों ने कितनी मेहनत से ये काम किया है। और ये आपके सामने इनके आप आर्ट वर्क देख सकते हैं। ये यकीनन ऐसे वर्क है जिनको प्रमोट होना चाहिए। ये हमारी मेरी छोटी बहन ज़ुबैदा जिन्होंने इस पर मेहनत की है और ज़ाहिर सी बात है इस पर काफ़ी आप देखें, ये जुनिपर के जो लकड़ी है उससे ये बनाया गया है, जो कि आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से बहुत सॉफ्ट यानी खात फीमेल का वुमेन के उसको इन्होंने ज़ाहिर किया है। और बड़े ख़ूबसूरती से, बड़े अच्छी फिनिशिंग्स के साथ
और इनके वो डिज़ाइंस भी आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं, वो भी इन्होंने बनाए। ये सारे इन्होंने जुनिपर के जो लकड़ी है उसको, लकड़ी तो नहीं कह सकते, जुनिपर के जो ऊपर वो होते हैं उसको यूज़ किया है, और बड़े खूबसूरती से इन्होंने ये सारी पेंटिंग्स और बाकी भी चीज़ें इन्होंने बनाई है। ये भी जुनिपर से ही, ये आप देख सकते हैं। तो ये आज हम आए थे इस बीके और ये आपको, आपके साथ शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ़ हमारे बहनों ने जो काम किया है, खूबसूरत काम किया है। तो ये आप शेयर भी करें और इनकी हौसला अफज़ाई भी करें ताकि हमारी और बहनें इस तरफ आएँ और इस तरह के काम करें।